मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी में मृतका शारदा और उसके पुत्र आकाश की हत्या की पूरी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मृतका के चरित्र को लेकर हत्यारा पति संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मृतका शारदा हत्यारे पति कमलेश से शादी के पहले ही 5 शादियां रचा चुकी थी और कमलेश से शादी के बावजूद भी पूर्व पति से अवैध संबंध चल रहे थे। इसी बात से नाराज अकोला निवासी कमलेश ने पहले अपनी पत्नी शारदा और शारदा के बेटे आकाश के ऊपर गैस सिलेंडर से मारा, इसके बाद धारदार हथियार से गला काट दिया। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मंगेश जो कि कमलेश का दोस्त थे, उसके बयान के आधार पर कमलेश की खोजबीन शुरू की गई और उसे इंदौर से 400 किलोमीटर दूर अकोला से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बाणगंगा में दिनांक 12 जनवरी की बात घटना है कि मंगेश गावंडे ने सूचना दी कि उसके घर पर जहां वो रहता था निवास स्थान पर उसने देखा तो उसके परिचित 3 दिन पहले जो आया हुआ था उसकी एक लड़का आकाश और उसकी जो पत्नी थी शारदा, इनकी दोनों की लहूलुहान डेड बॉडी मिली हुई थी। इसकी सूचना उसके द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा को दी गई, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी बाणगंगा श्री सोनी जी पहुँचे मौके पे और वरिष्ठ अधिकारी हमारे एडिशनल ACP श्री मोटवानी जी, सचिकांत एडिशनल DCP, ये लोग सभी पहुँचे, वैज्ञानिक अधिकारी, तो उन्होंने तत्काल जो है घटनास्थल पर पूरा बारीकी से परीक्षण किया घटनास्थल का और जानकारी मिली कि जो कुलदीप जो उसका परिचित का था वो वहाँ घटनास्थल से गायब था। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि कुलदीप और उसकी पत्नी शारदा और लड़का आकाश ये 3 दिन पहले जो है वहाँ उसके यहाँ आए थे सर कुछ काम करने के लिए कि इंदौर शहर में कुछ काम मिल जाएगा, उसके लिए आए हुए थे। तो सुबह ये चला गया था अपने फैक्ट्री पर रूटीन के काम के लिए, सोते हुए छोड़ गया था। उसके बाद जब शाम को 4 बजे वो लौटा, वापस लौट के आया, तब उसने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसने कुलदीप से संपर्क किया तो उसने बताया कि मैं जो है चाबी वहाँ रखती है, तू जाके देख ले और तू भी भाग जा। पुलिस को इसकी इतनी सूचना के आधार पर टीम भेजी गई महाराष्ट्र अकोला और वहाँ से उसको पकड़ लिया और 24 घंटे के अंदर ही इस दोनों पकड़ का खुलासा हुआ। दोनों जो अज्ञात मर्डर थे उसका खुलासा हुआ। वजह ये थी कि मृतिका की शादी पूर्व में भी 5 जगह शादी उसने की थी, पहले हस्बैंड के साथ शादी हुई तो उसको कोई बच्चे नहीं था जैसे जानकारी उसके द्वारा दी गई, दूसरी के साथ शादी हुई तो उसके भी कोई बच्चे नहीं था, तीसरे से एक बच्चा है जो उसके गांव में रहता है, चौथे हस्बैंड से भी एक बच्चा हुआ और पाँचवा जो मंगेश गावंडे है इसके साथ भी वो रही थी, फिर उसके बाद ये कुलदीप आरोपी जो है उसके साथ रही। तो इस तरीके से वो कई लोगों के साथ साथ में रही है और उसको कहीं ना कहीं ये शंका था जो कुलदीप को जिसके साथ उसकी अभी शादी थी कि इसके जो है मंगेश के साथ शारीरिक संबंध हुए हैं, उन्हीं बातों को लेके उसने हत्या की है।